अच्छा श्याम साहब, आपकी तरफ आऊंगा। तमाम जो सवालात हैं वो सामने आ चुके हैं और जो सवालात हैं सर वो जायज हैं, उन पे आंखें बंद नहीं की जा सकती। ये किसी की कारकर्दगी का सवाल नहीं है, ना तो ये पर्सनल इशू है, ना तो पर्सन टू पर्सन इशू है, पूरी कौम का मसला है और इंतहाई घिनौना फेल है। इसमें से जितने सवालात बनते हैं उनके जवाब ढूंढना, हर तरीके से जो लूप होल्स हैं उन तक पहुंचना बड़ा जरूरी है, लेकिन होगा कैसे ये बता दें। देखिए हसन शाह साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से बड़े मुदल्लल अंदाज में बता दिया है। मेरा ख्याल है जितने थोड़े वक्त में जो उन्होंने बात बताई कि वाकयात किस तरह अनफोल्ड होते हैं, कहाँ पे सुकम क्या रहता है, किस तरीके से पुलिस की कहना चाहिए नाकामी होती है, और उसके बाद हाई अफसर तो किससे बहुत है, अभी अभी तो हमने जिक्र ही नहीं छेड़ा पुलिस की कारकर्दगी कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अहम चीज़ बात यह है जी, अहम चीज़ हसन इस सारे मामले में यह है कि अब जिस पे मेरा ख्याल है किसी का इख्तलाफ नहीं है, इस पे तो इख्तलाफ हो सकता है कि जी ये बंदा था, इसके साथ कौन लोग थे, ये कब कब किससे वाकया हुआ, लेकिन इख्तलाफ जिस पे नहीं आ रहा वो सारी चीज़ वो ये है कि ये अकेले आदमी का काम नहीं है, इसके पीछे कुछ और लोग हैं, बासर लोग हैं। और फिर दूसरी बात हसन, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इसको छुपाने की कोशिश करती है, आरिफ साहब ने को जब पांचवें दिन पता चलता है एक पुलिस इंस्पेक्टर को कि जी लाश मिलती है और फौरन कहा जाता है कि जी इसको तो पहले इनाम दिया जाए कि इसने बड़ा काम कर दिया, ठीक। उसके बाद आप देखने के उस बाप की हालत क्या होगी, जो अब बाद में बयान आए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दुनिया जहां की तारीफ करना और तालियां बजाना और लोगों को खड़े होकर दिखाना कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा काम दिखाया है, मेरा ख्याल है ये सबसे बड़ी फेलियर तो ये है कि ये तवातर के साथ 12वां ये वाकया हुआ है। आप देख लें जो 250 बच्चों के साथ दसन जाती है जिन्होंने लोगों ने की थी, वो छूट के बाहर आ गए हैं, और वो ना सिर्फ बाहर आ गए बल्कि उनके ख़ानदान वालों को मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई सूबाई हुकूमत का कोई आदमी उनको पूछने के लिए नहीं आ रहा कि भाई आपको कोई तहफ़ दिया जाए। यही इस शरीफ आदमी के साथ भी लगता है कुछ दिनों को बात होगा, और मुझे कोई शक नहीं है हसन कि आप जिस तरीके से वो अमीन साहब बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो बड़ी पंप एंड शो के साथ चीफ मिनिस्टर ने की थी, उसको उनको भी उनको धमकियाँ मिल रही होंगी कि आपने क्यों बातें की।